आई होप आप लोग सब खैर खरी से होंगे और आज बहुत खूबसूरत सा दिन और बहुत खूबसूरत हवा चल रही है और सूरज अपने आबोताब के साथ बहुत जोबन दिखा रहा है और सर्दियाँ अपना एक मकाम रखती हैं लेकिन सर्दियों के बाद जब बाहर की हवा एक ख़ूबसूरत सा जो एक आपको एक फीलिंग आती है कि दैट इट्स स्प्रिंग टाइम सरसों के खेत खूबसूरत से पीले पीले फूल दे, देखिए और आसपास वो खिलते छोटे छोटे वो जोबन दिखाते हैं वो छोटे छोटे कोम्पलें जो फूट रही होती हैं दरख्तों में से और पौधों में से और वो खूबसूरत वो जो फूल जो बस निकलने के लिए खिलने के लिए बरकरार होते हैं उनको देखकर कर बेपना खुशी होती है कि अल्लाह तला की हसीन चीज़ों में से एक चीज़ बाहार है बाहर का मौसम आई वॉज़ ट्रैवलिंग एंड वाइल ट्रैवलिंग आई फेल्ट वो बस मैं एकदम से वो माजी के बचपन में मैं चली गई कि जब ये वाला मौसम होता था बाहर का मौसम होता था बाहर की आमद आम होती थी का स्टार्ट से ही हम तैयारी शुरू कर देते थे कि एक बसंत आने वाली है और बसंत की तैयारी करनी है पिन्ने चरखियाँ पतंगे गुड़ियां मुझे तो नाम भी बहुत कुछ भूल गया है नाम जो बस याद हैं तावा डेढ़ तावा कांटा परियां बसंत नाइट पे सफ़ेद परियां हुआ करती थी और खाने और वो छत पर बाहर वाली हवा जिसमें हम वो जो एक लफ्ज़ होता तो था कि कन्नी और डोर छोड़ आ, कट भी लगते थे हाथों पर अपनी पतंग कटने का दुख भी नहीं होता था एक पतंग गई दूसरी उठाई क्योंकि वो एक मतलब एक बहुत ज़्यादा तादाद में गुडिया होती थी और में तनावे डालनी होती थी और वह तनावे का एक तरीका होता था और उंगलियों पर कट के लिए एक टेप हुआ करती थी व सो मैनी थिंग्स और ख़ूबसूरत से रंग की वो वो पतंगे हुआ करती थी ख़ूबसूरत से और वो चरखियाँ पिन्ने और वो सब चीज़ें लेकिन फिर इस खूबसूरत से बाहर के त्यौहार फिर वो अचानक कूनी त्यौहार बन गया ये जानने की ज़रूरत है कि इस खूबसूरत से त्यौहार को खूनी त्यौहार कैसे बनाया गया इसके पीछे एक नफ्सयाती चीज़ देखी जाए तो पहले सिर्फ़ लोग आस खूबसूरत आसमान जो खूबसूरत रंग की पतंगों से भरा होता था उसके लिए इंजॉय करने के लिए किसी की दिल आज़ारी करने के लिए नहीं सिर्फ़ इंजॉय करने के लिए आ, पतंगे उड़ाते थे और पतंग कट पे जाती थी तो दिल नहीं टूटता था दुख होता था कि हमने सही पेज नहीं लगाया हमने यूँ हमें यूँ करना चाहिए था इस खेल के अंदर जो नफसियाती पहलू फिर ये आया कि मेरी गुटी नहीं कटेगी मैं सबकी काटूंगा या काटूंगी लेकिन मेरी कोटी नहीं कटेगी और वो क्यों नहीं कटेगी क्योंकि उसके अंदर केमिकल वाली डोर धात वाली डोर तारें लगाई जाने शुरू कर देगी उस डोर में जब पतंग कटती है, तो वो जब नीचे डोर ज़मीन पर ज़मीन की तरफ आती है तो वो राह चलते लोगों को बाइक पर जाते लोगों को की जान ले लेते है क्योंकि वो इस कदर तेज़ होती है डोर या वो तार कि वो बस सब कुछ खत्म करते थे सिर्फ अपनी अना की तस्किन के लिए मेरी पतंग ना कटे किसी के हाथों और लोग वाह वाह करें एक खूबसूरत से बाहर के त्यौहार को कितना खूनी रंग देते तो फिर तो उस त्यौहार में ख़ुशी का आंसर तो ना रहा और वो ख़ुशी का आंसर किन लोगों ने छीना उन लोगों ने जो अपनी पतंग को कटवाना नहीं चाहती त्यौहार तो खुशी मांगता है त्यौहार तो खुशी का नाम है त्योहार तो सेलिब्रेट करने का नाम है बाहर तो ख़ुशी की चीज़ है तो ऐसे में कहाँ आप इस कातिल डोर को ले आए एक आम से धागे से एक आम सी डोर जो पहले भी हम लोग अपने बचपन में इस्तेमाल करते थे उस डोर के साथ भी तो पतंगे उड़ाई जा सकती थी जस्ट इमेजिन के आसमान बहुत खूबसूरती के साथ रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ है और पतंग कट भी रही है पतंग फिर और एक आपके हाथ में एक पतंग है और आप उसे उड़ा रहे हैं एक फीलिंग ही कुछ और है ये 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 बात ही कुछ और है ये वो लोग नहीं जान सकते जिन्होंने कभी पतंग नहीं उड़ाई उसको हैंडल करना उसको सीधा रखना वो गिर रही है वो पलट रही है वो पलटे खा रही है उसको ठीक से हैंडल करना और फिर कितनी डोर की ढील देनी है कितनी डोर रखनी है बस ये मैं मेरा है में बातों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई हूँ आज कुछ याद आया बसंत क्या एक त्यौहार हुआ करता था बचपन में जब हम बसंत मनाया करते थे तो चोटें लगती थी लोग गिरते भी थे लेकिन कभी ऐसे नहीं हुआ कि किसी की गर्दन कट गई और वो डोर कातिल बन गई और जिन घरानों के चराग गुल हुए जिन घरानों में उस डोर की वजह से सफ़े मातम बिछ गई कीमती जानों का नुकसान हुआ ज़िंदगी के चरा गुल हुए तो फिर इस त्यौहार को आखिरकार बंद करना पड़ा ज़िंदगी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं जो काम बहसे थे काम हम कर सकते हैं वो ये है कि त्यौहार को त्यौहार ही रहने दिया जाता तो अच्छा था लेकिन आइंदा मुस्तकबिल में हम ऐसे वाक़ात से बच सकते हैं और ऐसे अनासर को ख़त्म कर सकते हैं कि जिनकी वजह से केमिकल डोरस और ये जो जिसे आप कातल डोर कहते हैं वो प्रोड्यूस हो रही है वो बन रही है वो बनाई जा रही है मेरा ख्याल है त्योहारों का ताल्लुक दिल से होता है ख़ैर आप सब लोगों को बाहर की आमद बहुत मुबारक और अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें इस खूबसूरत सी हवा को इंजॉय करें इस इन ख़ूबसूरत दिनों को बहुत इंजॉय करें अल्लाह तला के शुक्र गुज़ार रही है कि उसने आपकी इर्द गिर्द इतनी खूबसूरती पैदा की अपना ख्याल रखिएगा और अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रहेगा हंसते रहें मुस्कुराते रहें आप सब लोगों का शुक्रिया अल्लाह हाफिज